हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके करियर टूर्नामेंट्स के एक और वीडियो में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि SSC CGL 2018 का जो टायर वन का एग्ज़ाम है वो 4 जून से आपका स्टार्ट हो चुका है। और जैसे कि एंटिसिपेशन किया गया था कि TCS के नए वेंडर बनने से आपके क्वेश्चंस पैटर्न चेंज होंगे, और वैसा ही बिल्कुल देखा गया है। जो टायर वन के जनरल, स्पेशली जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो बिल्कुल ही अलग पैटर्न में आने लगा है। पहले जैसे बहुत फोकस रहता था आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और हमारे साइंस सेक्शन से, तो उसके थोड़े कम कर दिए गए क्वेश्चन और आपके थोड़े ज़्यादा फोकस कर दिया गया करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के ऊपर। तो करंट अफेयर्स का अगर आपका मिस हो गया और आपका एग्जाम अभी बाकी है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके आप 3 घंटा स्पेंड कीजिए, आपको सारा करंट अफेयर्स वहां से कवर हो जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस अपना कवर करेंगे ऑन नेबर्स ऑफ इंडिया। अगर लास्ट 2-3 दिन का एग्जाम देखें, स्पेशली 10 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें नेबर्स ऑफ इंडिया के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, नेबर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जो भी इंडिया के नेबर्स हैं। तो इस वीडियो हम जल्दी से ये वीडियो बना के लाए हैं कि आने वाले दिन में जिनका एग्जाम बचा हुआ है तो वो तुरंत से ये वीडियो कवर कर ले आज रात तक, ताकि उनके लिए एकदम लास्ट मोमेंट में ये प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम नेबर्स की बात करते हैं, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट नेबर है पाकिस्तान, तो उनसे जो रिलेटेड फैक्ट्स है वो हम देख लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट सीट्स है आपके 342, ठीक है। पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू, कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी तक फिलहाल आया नहीं है, बट जब नेबर से क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसीलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया है। आप अच्छे से जान लीजिए कि जो नेबर्स, मतलब हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ इंडिया के कौन से स्टेट्स कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर आपको मैप अगर अच्छे से याद होगा, अगर जो कैंडिडेट अच्छे से मैप को स्टडी करता है उनके लिए थोड़ा ईजी होगा। अगर आप नहीं करते तो ये हैबिट डाल लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। आप मैप को बिल्कुल अपने दिल में बिठा लीजिए, इंडिया का जो मैप है। तो देखिए बाउंड्री विथ इंडिया ये कौन कौन सा स्टेट, देखिए जम्मू कश्मीर तो एकदम श्योरली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अगर आपने इंडिया मैप को थोड़ा ध्यान दीजिए, जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, वेस्ट साइड वाला पार्ट, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा बाउंड्री शेयर होता है, तो उसमें आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। पाकिस्तान का नेशनल गेम है फील्ड हॉकी, इनका नेशनल एनिम है मारखोर, नेशनल बर्ड है चुकार, नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान है मैंगो, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान लीजिए, मैंगो थोड़ा कॉमन फ्रूट है, तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो हमने इधर दे दिया है, मैंगीफेरा इंडिका। नेशनल फ्लावर पाकिस्तान का है जासमीन, ठीक है। नेशनल ट्री है आपका देवदार। चीफ डांसेस, ये डांस से क्वेश्चन आया था 10 तारीख के शिफ्ट में, कथक, सामनी, झूमर, भांगड़ा, वजीरी, ठीक है। ये अच्छे से देख लीजिएगा, डांसर से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था 15 अगस्त 1947, पाकिस्तान उससे एक दिन पहले उनको इंडिपेंडेंस मिल गया था, तो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है 14 अगस्त 1947। अब पाकिस्तान रिपब्लिक हुआ था आपके 23 मार्च 1956। देखिए जो रिपब्लिक डे वाला, दोनों देशों में इंडिया और पाकिस्तान इंपॉर्टेंट डेज को सिलेक्ट किया गया है। जैसे इंडिया में 26 जनवरी को क्यों सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन एक्सेप्ट लिया था कांग्रेस ने, उस दिन को नेशनल इंडिपेंडेंस डे माना जाता था पहले, तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ही सिलेक्ट किया गया कि रिपब्लिक होगा इंडिया। पाकिस्तान में भी उनका भी सेम थोड़ा अलग ऐसे ही कंसेप्ट है। जो लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था 1940 का, तो 23 मार्च 1940 में लाहौर में जिन्ना ने ये रेजोल्यूशन लिया था मुस्लिम लीग ने कि हमको अलग स्टेट चाहिए, और वहीं से पाकिस्तान जो टर्म है वहीं से स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए उन्होंने भी अपना रिपब्लिक डे इसी इसी दिन को सिलेक्ट किया, 23 मार्च 1956, इन द ईयर 1956। जब पाकिस्तान रिपब्लिक हुआ तो उस टाइम पे पहले प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के इस्कंदर मिर्जा। ये क्वेश्चन 10 तारीख को आया था, ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि ये क्वेश्चन फिर से नहीं आएगा, आप ये बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। चलिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री पाकिस्तान थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इंडिया में कौन थे, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था लॉर्ड माउंटबेटन को ही कि आप ही कंटिन्यू कीजिए एज ए गवर्नर जनरल, तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे लियाकत अली खान, ठीक है। अच्छा, अब तो अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं कि करंट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ऐसे मतलब एक्सपेक्ट मत कीजिए कि नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो इसी के साथ हमारे पाकिस्तान का पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको ये स्नैपशॉट लेना है, नोट्स बनाना है, तो आप पॉज करके इसको ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम
अगले जो इम्पोर्टेंट हमारे नेबर है बांग्लादेश की तरफ, तो बांग्लादेश में पार्लियामेंट सीट्स कितने हैं? 350। ठीक है, नंबर्स थोड़े क्लोज है, आपको ये अच्छे से याद करना पड़ेगा। पार्लियामेंट सीट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने कोई भी एग्जाम एनालिसिस नहीं देखे, इतने सारे साइट्स में जो एनालिसिस निकल के आ रहे हैं आपके, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मतलब उसमें नहीं रहिए शौक में कि पार्लियामेंट सीट्स ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बांग्लादेश है आपका बंगाली, कैपिटल है ढाका, करेंसी है आपका टाका। ठीक है, अच्छा, बाउंड्री विथ इंडिया, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिए, इंडिया का जितने सारे नेबर्स के साथ मतलब आपका बाउंड्री लाइन है, उसमें बांग्लादेश का मतलब सबसे ज़्यादा बाउंड्री लेंथ है। बांग्लादेश इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कॉमन बाउंड्री विद बांग्लादेश। बांग्लादेश का नेशनल गेम है कबड्डी, नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। ये गेस लगाना थोड़ा इजी है क्योंकि देखिए बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट जो नीचे डेल्टा बनता है, जो गंगा बेसिन डेल्टा है, जो सुंदरबंस का रीजन है, उसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, तो वहाँ से इनके नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। नेशनल बर्ड है आपके मैगपाई रॉबिन। नेशनल फ्रूट जैक फ्रूट है। ठीक है, नेशनल फ्लावर है आपका पिंक वाटर लिली। नेशनल ट्री है मैंगो ट्री। अच्छा, चीफ डांसेस ऑफ बांग्लादेश बाउल, ये वेस्ट बंगाल में भी है हमारे, कथक, बीजू। बीजू से याद रखिए, त्रिपुरा का भी डांस है बीजू, तो त्रिपुरा बांग्लादेश आसपास बॉर्डर है, तो उस नेम से आप याद रखिए बीजू, मरमा और पिकॉक डांस। ठीक है, अच्छा, बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे आपका 26 मार्च 1971, इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। अच्छा, ये थोड़े ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चंस अभी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो हो रहा है उससे क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा ऐसे जो सिक्वेंस है उसको थोड़ा दिमाग में रखिए। बांग्लादेश को जो आवामी लीग था, जिनके हेड थे आपके शेख मुजीबुर रहमान, तो उन्होंने 26 मार्च 1971 में अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया कि हम अब पाकिस्तान का पार्ट नहीं रहना चाहते। तो वहाँ से उनका एक वॉर स्टार्ट हो गया बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सरकार थी, और आवामी लीग के बीच में एक वॉर सा स्टार्ट हो गया। तो उनका एक तो शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, उन्होंने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश बना दिया, मतलब विद इन पाकिस्तान उनका एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गया। ऑफिशियली तब भी इंडिपेंडेंस नहीं है, तब भी पाकिस्तान का राज था, सोल्जर्स उन्हीं के वहीं पर बैठे हुए थे, बट उनका एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन चुका था। तो उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे बांग्लादेश के, वो थे तजुद्दीन अहमद। ठीक है, और प्रेसिडेंट थे सईद नजरुल इस्लाम। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, तो वो सईद नजरुल इस्लाम। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश आफ्टर लिबरेशन वॉर, या तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश पार्लियामेंट, तब आपका आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो 26 मार्च 1971 में उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम इंडिपेंडेंट है, हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगा, तो उसी दिन को वो इंडिपेंडेंस डे के तरीके से मानते हैं बांग्लादेश। कौन सा डे? 26 मार्च। अब देखिए, अब जब बहुत दिनों तक चल रहा है, तो शेख मुजीबुर रहमान इंडिया से रिक्वेस्ट किया, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के, इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया कि हाँ, हम बांग्लादेश की हेल्प करेंगे, तो वहां से इंडिया का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, 3 दिसंबर 1971 में इंडिया ने डिक्लेयर किया पाकिस्तान के ऊपर वॉर, और 13 दिन तक ये वॉर चला। तो 16 दिसंबर 1971 में जो लिबरेशन वॉर, या तो जिसको हम बोलते हैं वॉर ऑफ 1971, वो खत्म हुआ। ठीक है, और ये बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री था इंडिया का। आज तक मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो सोल्जर सरेंडर किए हैं एक दूसरे नेशन के पास, वो इसी वॉर में था। ठीक है, पाकिस्तान के इतने सारे सोल्जर्स इंडिया इंडिया के पास सरेंडर किए थे। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको भी मतलब कम इम्पोर्टेंस मत समझिए कि लिबरेशन वॉर, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, वो किस दिन खत्म हो, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो ये है 16 दिसंबर 1971। तो ये हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, थोड़ा पॉइंट्स देख लेते हैं जो करंट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है। करंट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश है अब्दुल हामिद, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है शेख हसीना वाजिद। ये शेख हसीना वाजिद इन्हीं की बेटी है शेख मुजीबुर रहमान के। ठीक है, चलिए, अच्छा, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की हम बात कर रहे हैं, तो उनसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो था उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक है, ये तो सभी को पता है। जो चीज़ जो सब कंफ्यूज कर जाती है या सबके जहन में नहीं रहता, वो है उस टाइम के प्रेसिडेंट कौन थे। तो इंडिया के प्रेसिडेंट उस टाइम पे थे वीवी गिरी। ठीक है, इंडियन आर्मी के चीफ थे श्याम मानेक शॉ। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस टाइम में थे आहिया खान। ऐसे क्वेश्चन आपको आ ही सकता है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। तो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे मुरुल अमीन। जैसे ये वॉर खत्म हुआ, तो इनकी इतनी बेइज्जती हुई कि इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा उनके पोस्ट से। ठीक है, याद रखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ उस टाइम पे थे अब्दुल हामिद खान।
अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सरेंडर हुआ था 16 दिसंबर को, उसमें पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे आमिर अब्दुल्ला खान नायजी, उन्होंने सरेंडर किया था इंडिया के जगजीत सिंह अरोड़ा के पास। तो ये दो जो नाम है ये आप याद रखिए, ठीक है। तो चलिए इससे बांग्लादेश खत्म हो गया। अगले जो इंपॉर्टेंट हमारे नेबर है चाइना। चाइना में देखिए पार्लियामेंट सीट्स 2980, अगर नंबर के हिसाब से देखें तो 2980 वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट सीट्स है। बट ये जो है इनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, अगर डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स की बात करें तो उस हिसाब से आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्लियामेंट है यूके। ये क्वेश्चन भी इस बार के एसएससी सीजीएल में आ चुका है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्लियामेंट कौन सा है, तो उसका आंसर अगर आप अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर होगा यूके, ठीक है। और बाई नंबर्स अगर पूछे इररेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन वे तो तब आपका होगा चाइना, ठीक है। चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज मैंडरिन, यह ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा चाइना का करेंसी है रेनमिनबी, उनका कॉलोकल नेम है युआन, ठीक है। तो अगर एसएससी में कोई भी नाम आए तो आप याद रखिए युआन भी है सही है, रेनमिनबी भी सही है। चाइना का कैपिटल है आपका बीजिंग। अच्छा चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर होता है तो वो कौन कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर आप जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है आप एटलस जो है आपका मैप स्टडी करना सीखिए, आपके ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको निकल आएंगे सही से अगर आपको मैप आपके दिमाग में बैठा हुआ है। तो इंडिया का मैप जैसे देखिए ऐसे हुआ, ठीक है, ये सही से नहीं बन रहा है क्योंकि मैं ऐसे फ़ोन में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये है आपका चाइना, ठीक है। तो इधर पे देखिए जम्मू कश्मीर का हो गया, इधर पे आपका हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इधर पे आपका हो गया सिक्किम और ये वाला पोर्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अगर आपको ऐसे मैप याद रहेगा तो ये आपको अलग से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में वैसे ही है। जिसको मैप याद है उसको ये क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा। चाइना का नेशनल गेम टेबल टेनिस, ये उन्होंने ऑफिशियली इनको डिक्लेयर नहीं किया है बट एसएससी के क्वेश्चंस में ऐसे आ चुका है, तो उसका आंसर होगा आपका टेबल टेनिस। चाइना का नेशनल एनिमल है जायंट पांडा, अगर आपने कुंगफू पांडा मूवी देखी है वो चाइना से रिलेटेड है वैसे याद रखिए, ठीक है। नेशनल फ्रूट है आपका फूजी कीवी फ्रूट और जुजुबे, मेनली आंसर इसका आप याद रखिए जुजुबे। नेशनल फ्लावर ऑफ चाइना है प्लम। नेशनल ट्री है आपका गिंको ट्री या तो मैदेन है ट्री। अगर आप ये वीडियो आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है आप पॉज करके इसके नोट्स बनाते रहिए, स्नैपशॉट लेना है स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है, ठीक है। पर सारे पॉइंट्स याद रख लीजिए कि क्वेश्चंस में अब कुछ भी आ सकता है, कोई प्रेडिक्शन आप मत लगाइए कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एसएससी अभी कुछ भी पूछ सकता है आपसे। चीफ डांसेस ऑफ चाइना है आपका फैन डांस, लायन डांस और ड्रैगन डांस। अच्छा इंपॉर्टेंट डेज अगर हम चाइना की बात करें तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था अक्टूबर 1, 1949 पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो इस डेट के बाद जो प्रेसिडेंट बने थे वो है आपका माओ जेडोंग। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में आ चुका है इसी साल के सीजीएल में। करेंट प्रेसिडेंट, ये माफ कीजिएगा ये बांग्लादेश होगा, सॉरी चाइना होगा, ये बांग्लादेश नहीं, ये गलती से लिख दिया गया। तो करेंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है जी जिनपिंग। चलिए अगले जो हमारे हैं नेपाल, नेपाल के पार्लियामेंट सीट से आपके 334, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली, करेंसी है नेपालीज रुपी, कैपिटल है काठमांडू। फिर से देखिए बाउंड्री की बात आती है तो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो फिर से मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि आप मैप स्टडी कीजिए, आपको ये स्टेट्स याद रखने में इजी होगा, ठीक है। कोई ट्रिक कुछ नहीं, मैप स्टडी कीजिए, आपको ऐसे एग्जाम निकले होंगे, ठीक है। आप कितना ट्रिक याद रखेंगे, आप मैप स्टडी करना सीखिए, आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा कीजिए, ट्रिक्स आप बाद में पढ़िएगा। नेशनल गेम आपका है डांडी बियो, नेशनल एनिमल है आपका काऊ, नेशनल बर्ड है आपका द हिमानियल मोनल। अच्छा नेशनल फ्लावर है रोडोडेंड्रॉन, ये रोडोडेंड्रॉन जो जो हमारे कैंडिडेट सिक्किम साइड घूमने जा चुके हैं तो उनको पता होगा कि रोडोडेंड्रॉन बहुत ही फेमस फ्लावर और ट्री है आपके हिली एरियाज़ में हिमालयन के। तो नेपाल का जो नेशनल फ्लावर है वो है आपका रोडोडेंड्रॉन और नेशनल ट्री है रोडोडेंड्रॉन ट्री, ठीक है। नेपाल का जो चीफ डांस है वो आपका नेवा डांस, ठीक है। ये देखिए इधर फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ये नेपाल होगा, ठीक है, और करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ये थोड़ा गड़बड़ से हमने गलती से लिख दिया माफ़ कीजिएगा। तो करेंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल है विद्या देवी भंडारी और करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल है आपका खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, ठीक है। भूटान, भूटान में जो पार्लियामेंट सीट्स है वो है आपके 72, ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंका, कैपिटल है थिम्पू और करेंसी है नगल ट्रम। इसका करेंसी का आने का चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा अलग टाइप है, मतलब यूजुअली मतलब आपके जुबान पे आएगा नहीं, तो इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज और करेंसी है इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। कैपिटल
कैपिटल है थिम्पू, बाउंड्री विथ इंडिया है आपका वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, ठीक है। नेशनल गेम है आपका आर्चरी, नेशनल एनिमल है आपका ताकिन, नेशनल बर्ड है आपका रेवन, नेशनल फ्लावर है हिमालयन ब्लू पॉपी, नेशनल ट्री है आपका भूटान साइप्रस ट्री, चीफ डांसेस आपका है छाम डांस। अब छाम डांस के अंदर अलग सारे उनके वैरायटी है, बट मेन अगर आपका डांसेस से पूछे तो छाम डांस आपका है भूटान का, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज अभी जो उनके राजा है वो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर आपके भूटान के हैं लोटे शेरिंग। ये थोड़ा गलती से हो गया, ठीक है, वीडियो हम एकदम लाइव बना रहे हैं, इसमें कोई रिटेक नहीं ले रहे, तो अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास तो टाइम नहीं है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। आप इसको अच्छे से मतलब ऐसे देख के पढ़िए कि जो जो हेडिंग है पेज का वो है आपका भूटान, तो उसके करेंट प्राइम मिनिस्टर है भूटान के जो है लोटे शेरिंग। चलिए अगला जो है श्रीलंका। अच्छा एक चीज़ याद रखिए, श्रीलंका के साथ इंडिया का कोई लैंड लॉक बाउंड्री नहीं है, कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, तो श्रीलंका और इंडिया जो सेपरेटेड है बाई गल्फ गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, ठीक है। पार्लियामेंट सीट से आपके 225। श्रीलंका का कैपिटल बहुत ही मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसको कोलंबो करके आएंगे, कोलंबो उसका कैपिटल नहीं है, कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज आपका श्रीलंका का है सिन्हालीस, करेंसी रुपी है उनका श्रीलंकन रुपी। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको नेबर से करेंसी का क्वेश्चन पूछा जाए तो रुपी वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, क्योंकि बहुत ही वो ऑब्वियस और इजी क्वेश्चन है। चांसेस आपके हैं कि भूटान का आ सकता है नगलचम, आपके बांग्लादेश का आ सकता है टाका, ठीक है, तो इनको आप थोड़ा याद रखिए, ठीक है। नेशनल गेम है आपका वॉलीबॉल, नेशनल एनिमल है लायन, नेशनल बर्ड है सीलॉन जंगल फॉल, ठीक है। ये नेशनल एनिमल याद रखिए लायन, अगर आप मतलब क्रिकेट के मैचेस देखते हैं तो आपने मतलब इंडिया श्रीलंका जब मैचेस होगा तो श्रीलंका का एम्ब्लेम आप थोड़ा याद कीजिए, उनके एम्ब्लेम में ही लायन रहता है, ठीक है, वहाँ से आप याद रखिए। अच्छा सीलोन मैंने नाम इधर जानबूझ के इधर दिया है, सीलोन जंगल फूल, श्रीलंका का जो पहला नाम था वो था आपका सीलोन, ठीक है। नेशनल फ्रूट है आपका जैक फ्रूट, नेशनल फ्लावर है नील मनेल, वहाँ पर इसको इस नाम से जाने, और बेसिकली ये है ब्लू वाटर लिली। नेशनल ट्री है आपका आयरन वुड ट्री, चीफ डांसेस ऑफ श्रीलंका है आपका कांडियन डांस, ठीक है। और श्रीलंका को जब इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश राज से वो था आपका 4 फरवरी 1948। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका स्टीफन सेनानायक। देखिए चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आ चुका है, पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आ चुका है, बांग्लादेश का क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है बट अभी तक शायद से आया नहीं है, मैंने देखा नहीं अभी तक, तो जो जो कंट्री नहीं है उसका आप और अच्छे से पढ़ के जाइए, बहुत सारा चांसेस है कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, ये सब क्वेश्चन आपको आ जाए पहले, ठीक है। करेंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका है मैत्रीपाला सिरिसेना, और करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका है रनिल विक्रमा सिंघे, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिए, इस स्लाइड में हम जो जो पॉइंट आपको बता रहे हैं आप अच्छे से याद कीजिए, अभी भी टाइम है, अगर आपका कल एग्जाम है तो आज का रात अभी भी 2-3 घंटा बचा हुआ है, आप अच्छे से इसको आराम से याद कर ले सकते हैं। चलिए लास्ट है हमारा म्यांमार। तो म्यांमार में पार्लियामेंट सीट्स हम देख लेते हैं 440। म्यांमार का ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मीज, और इनका जो करेंसी है कयात। तो ये भी याद रखिए, ये थोड़ा नाम अलग है तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। म्यांमार के दो कैपिटल है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है आपका नौपीतो, और जो उनका कमर्शियल कैपिटल है वो है यांगोन। तो मेनली अगर कुछ आए तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बाउंड्री विथ इंडिया, कौन कौन से स्टेट म्यांमार के साथ कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसका भी आप मैप याद कीजिए, ये आपका इंडिया का ऐसे है मैप, ठीक है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा अजीब दिख रहा है ये मैप, ठीक है। तो म्यांमार आपका जो है ये वाला पोर्शन में आपका म्यांमार है, तो कौन कौन सा स्टेट आ रहा है इधर पे, अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये वाला जो जगह है ये आपके म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल गेम ऑफ म्यांमार है चिंगलोन, नेशनल एनिमल है द ग्रीन पीफॉल, नेशनल बर्ड है ग्रे क्विकॉक फिजेंट, नेशनल फ्लावर इनके तीन हैं पदोक, ताजिन ऑर्किड और यंगेन, ठीक है। चीफ डांसेस वहाँ का है जटपी, वहाँ का ट्रेडिशनल डांस है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, म्यांमार का जो ट्रेडिशनल डांस है उसका नाम है जटपुई, और उनके जो प्रेसिडेंट अभी के प्रेसिडेंट है वो है विन मिंट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो अभी हम खत्म करते हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान हमने कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि अफगानिस्तान अभी अगर लीगली देखे तो इंडिया के बाउंड्री के साथ वो बाउंड्री शेयर नहीं करते, उनका बाउंड्री पहले वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहाँ पर आता है, ठीक है। तो अभी जो हमारे नेबर्स है उनके बारे में हमने पूरा कवर कर लिया है, आप अच्छे से वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, 2-3 बार देखिए, बहुत हाई चांसेस है कि कल के एग्जाम में और 13th के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन रिपीट हो भी सकते हैं, क्वेश्चन नहीं भी रिपीट हो सकते हैं,
है, बट जिस तरह से पैटर्न देखा जा रहा है तो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे ही सीजीएल खत्म होगा हम आपके लिए और वीडियो लाएंगे, सीएचएसएल कैंडिडेट्स के लिए भी वीडियो लाएंगे, सीजीएल के जो मैथ्स का कोर्स लाएंगे, इंग्लिश का कोर्स लाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारे करंट अफेयर्स का लिंक दिया हुआ है, अगर आपका एग्जाम अभी भी बाकी है, आपको करंट अफेयर्स एक बार फॉलो करना है बहुत शॉर्ट टाइम पे, तो करंट अफेयर्स आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, थैंक